राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है लोहे और इस्पात उद्योग की अवस्थिति। लोहा और इस्पात उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल पर आधारित वजन खोने वाला उद्योग है। कच्चे माल की तुलना में तैयार माल का वजन काफी कम होता है। इस उद्योग को लौह अयस्क, कोयले, चूने के पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज की जरूरत होती है। एक टन कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए 1.6 टन लौह अयस्क, 0.8 टन कोक यानी इसे बनाने के लिए 1.5 टन कोयला चाहिए और 0.5 टन चूने के पत्थर और डोलोमाइट की आवश्यकता होती है। ये भारी भरकम तथा अपेक्षाकृत सस्ते पदार्थ हैं, इसलिए लोहे और इस्पात के कारखाने उसी स्थान पर लगाए जाते हैं जिस स्थान पर इन पदार्थों को इकट्ठा करने में कम से कम लागत आती हो। केवल जमशेदपुर के कारखाने की ऐसी आदर्श स्थिति है। अन्य कारखाने या तो लौह अयस्क के क्षेत्रों के निकट स्थित हैं जैसे राउरकेला, भिलाई, भद्रावती और सेलम, या कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं जैसे दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर कुल्टी। विशाखापत्तनम का लोहे और इस्पात का कारखाना इसका अपवाद है तथा इसकी स्थिति तटवर्ती है। सभी कारखाने प्रमुख रेल मार्गों पर स्थित हैं जो इन्हें विशाल नगरीय बाजारों से जोड़ते हैं। टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। जमशेदपुर की लौह अयस्क और कोयला क्षेत्रों के मध्य आदर्श स्थिति है। ये कोलकाता के उत्तर पश्चिम में 240 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता मुंबई के मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। लौह अयस्क सिंहभूम की नोआ मुंडी और बादाम पहाड़ की आबद्ध खानों तथा उड़ीसा की जोड़ा खानों से, मैंगनीज को केंदुझार जिले की जोड़ा खानों से तथा चूने का पत्थर और डोलोमाइट उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त किया जाता है। कोकिंग कोयला झरिया और पश्चिम बोकारो के कोयला क्षेत्रों से आता है। सुबर्ण रेखा और खोरकाई नदियों पर बने डिमना बांध के पीछे बनी झील से जल की आवश्यकता पूरी की जाती है। जमशेदपुर में और इसके आसपास अनेक भारी उद्योग केंद्रित हो गए हैं, इसलिए ये एक सुविकसित औद्योगिक संकुल बन गया है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के 3 कारखाने हैं जो कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में स्थित हैं। हीरापुर में केकल ढलुआ लोहा जबकि कुल्टी बर्नपुर में इस्पात बनाया जाता है। बाराकर नदी पर स्थित कुल्टी का लौह का कारखाना भारत का सबसे पुराना विद्यमान कारखाना है। इन कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख टन है। ये दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों के केंद्र में स्थित है। इन कारखानों के लिए लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम की खानों से लाया जाता है। कोयला रानीगंज, झरिया तथा रामनगर से और चूने का पत्थर उड़ीसा के गंगपुर से आता है। अलवण जल दामोदर नदी से मिल जाता है, यद्यपि इसके लिए
कच्चे माल एकत्र करने की लागत जमशेदपुर के टाटा के कारखाने से अधिक है, लेकिन इसकी स्थिति आर्थिक दृष्टि से टाटा के कारखाने की तुलना में अधिक लाभदायक है, क्योंकि इसके लिए उपयोग में रेल के डिब्बों का दुतरफा उपयोग होता है। इन कारखानों के लिए लौह अयस्क ले जाने वाले डिब्बे लौटते समय राउरकेला और भिलाई के संयंत्रों के लिए कोयला ले जाते हैं। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। 50 किलोमीटर दूर बाबा बोदान की पहाड़ियों की कमानगुड़ी की लौह अयस्क की खानों ने इस कारखाने की स्थिति को प्रभावित किया है। आज इन्हीं खानों से इस कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। उत्तर पूर्वी पठारों के कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित होने के कारण ये कारखाना सन 1951 तक कोयले के बजाय लकड़ी का उपयोग करता था, लेकिन अब ये कारखाना जोगजल विद्युत ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त जल विद्युत का ऊर्जा के लिए उपयोग करता है। राउरकेला इस्पात कारखाना राउरकेला कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रूप्स और डिमैक के सहयोग से लगाया गया था। इसने 1959 में उत्पादन शुरू कर दिया था। ये मैग्नीज और चूने के पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है। लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और केंदुझार जिलों से लाया जाता है। कोयला बोकारो, झरिया और तालचेर क्षेत्रों से, कोकिंग कोयला कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से तथा मैग्नीज, चूने का पत्थर और डोलोमाइट बीर मित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। हीराकुंड से सस्ती पनबिजली मिल जाती है। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नाम के स्थान पर रूसी सहयोग से लगाया गया था। इसने 1959 में उत्पादन शुरू कर दिया था। इस स्थान का चयन दक्षिण की ओर केवल 86 किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली राजहरा की हेमेटाइट वर्ग के उत्तम कोटि के लौह अयस्क के भंडारों की निकटता के कारण किया गया था। इसके लिए कोकिंग कोयला छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्रों तथा झारखंड के कारगेली क्षेत्रों से तथा मैगनीज मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिलों से मंगाया जाता है। चूने का पत्थर और डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध है। ऊर्जा की मांग कोरबा स्थित ताप बिजली घर से पूरी हो जाती है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग से परिवहन की सुविधा मिल जाती है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसने 1962 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसे सिंहभूम की नुआ मंडी खानों से लौह अयस्क, कोयला रानीगंज और झरिया से मैंगनीज, उड़ीसा के केंदुझार तथा चूने का पत्थर उड़ीसा के ही सुंदरगढ़ से प्राप्त होता है। दामोदर घाटी निगम परियोजना से इसे बिजली की आपूर्ति होती है। बोकारो इस्पात लिमिटेड बोकारो का कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से 1972 में बोकारो यानी झारखंड में स्थापित किया गया। इस कारखाने को कोयला झरिया और बोकारो की खानों से, लौह अयस्क केंदुझार की केंदु खानों से, चूने का पत्थर तथा डोलोमाइट पालाम और जल विद्युत दामोदर घाटी निगम परियोजना से मिलते हैं।
सेलम इस्पात कारखाना तमिलनाडु के सेलम में स्थित है। इस कारखाने को लौह अयस्क कर्नाटक की निकटस्थ खानों से तथा लिग्नाइट निवेली से मिलता है। ये विशिष्ट श्रेणी का इस्पात बनाता है। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना विशाखापत्तनम भारत का पहला तटवर्ती एकीकृत संयंत्र है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम नगर में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ की बैलाडेला खानों का उत्तम कोटि का लौह अयस्क इस्तेमाल करता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों से इसे कोयला मिल जाता है। चूने का पत्थर और डोलोमाइट खम्मम जिले में उपलब्ध है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। लोहे और इस्पात उद्योग की अवस्थिति। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे दलजीत सचदेव। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।